साउंड पूरा कर देना जरा से, इसका आवाज ही कम आता है। अरे कम नहीं सलाह बस के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मीटू और कानून। मीटू एक आंदोलन के रूप में उभर कर अन्य देशों की भांति भारत में भी आए। यह महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के खिलाफ चलाया जाने वाला एक अभियान है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्र जी, साथ में है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश प्रसाद उर्फ भारती सर और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुराधा सिंह जी, और साथ में है समाज सेवी एवं डायटिशियन सुषमा सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मीटू आंदोलन क्या है, ये कब कहां और इसकी शुरुआत किसने की? ससे जी, जैसा कि इसके नाम में ही समाहित है #MeToo, जी जी, तो ये एक कैंपेन है, एक आंदोलन है जो यौन उत्पीड़ित महिलाओं के द्वारा यह एक अपनी आवाज उठाई गई है और उसी को ये कैंपेन आंदोलन के रूप में इसको लाया गया है और आज के समय में इसकी काफी लोकप्रियता हो गई है। आपको शशि जी बता दें, सर्वप्रथम जैसा कि इसके नाम में ही समाहित है मी टू, मैं भी जी, और यही ट्विटर फेसबुक यानी जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर इस कैंपेन को चलाया गया है। सर्वप्रथम संजय जी, इसकी शुरुआत तराना वर्क ने 2006 में इस वाक्यांश को, इस शब्द मी टू को उन्होंने लाया था सबके सामने जी जी, और उसके बाद 2017 में, और वो क्यों लाया था, क्योंकि उनके साथ ही घटनाएं हुई थी और इसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर के अपनी आवाज बुलंद की और उसका नाम उन्होंने दिया #MeToo जी। और उसके बाद सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई अक्टूबर 2017 में हार्वी वाइनस्टीन, जो हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वो निर्माता निर्देशक थे, उनके खिलाफ वहाँ जो कार्य करने वाली उनकी साथ अभिनेत्रियां थी, महिलाएं थी, उन लोगों ने इस आवाज को बुलंद किया जी। और वहां से शुरू होकर के और यह हमारे देश भारत में आया। और आपको बता दें कि इस आंदोलन का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि यह टाइम मैगजीन में वो जो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यह छपी। जितने भी हायर लेवल के लोग थे जो कि कभी कभी अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए और महिलाओं के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, तो वैसी पीड़ित महिलाएं जिनके साथ इस तरह के हुए थे दुर्घटनाएं, उसकी उसको इसके माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज बनाई और इस आवाज को उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जी। महेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मीटू आंदोलन का पर्पस क्या है? मीटू आंदोलन का पर्पस है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। हमारे देश में बहुत लंबे समय से महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते रहे हैं, महिलाएं दबी कुचली रही हैं और उनके फेवर में बोलने वाले कोई नहीं थे समाज में। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब महिलाएं भी पढ़ रही हैं और अपने अधिकार एवं दायित्व को समझ रही हैं। अब मीटू तो अमेरिका में हुआ 2017 में, लेकिन आपके भारतवर्ष में इस संबंध में गाइडलाइन विशाखा केस में, जो विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, पहले ही दिया जा चुका है कि अगर वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उस हालत में क्या कार्रवाई की जाएगी, और जो वर्क प्लेस है, जो इम्प्लायर्स है,
एम्प्लॉयर्स के लिए भी लायबिलिटी निर्धारित की गई है विशाखा गाइडलाइंस में। जो एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी है विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार कि आप अपने वर्क प्लेस पर सेफ इन्वायरमेंट रखें, महिलाओं के प्रति समय समय पर व्हाट्सअप ऑर्गेनाइज करें, अवेयरनेस हो, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हो, और अगर कोई शिकायत होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब 2013 में सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट में एक्ट आया जी, तो इस एक्ट के तहत भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी महिला वर्कर के साथ वर्क प्लेस पर किसी तरह का यौन उत्पीड़न या असॉल्ट होता है या कुछ इस तरह के हमले होते हैं तो वह उस हमले के 3 महीने के भीतर शिकायत करें, 3 महीने के भीतर शिकायत करें, और उसके लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कमिटी बनाई गई है शिकायत के लिए, और उसका जो है होगा उसकी भी जांच होगी, और उसका जांच अगले 90 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्य स्थल पर होने वाले महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं आए दिन होते रहती हैं, तो इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जिसका वो इस्तेमाल करें? जैसा सर ने बताया तो और भी बहुत सारे कानून ऑफिस में भी होंगे ताकि उन्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत भी ना पड़े, या दोनों जो कानून बनाए गए हैं आप बताएं ना। जैसे कि महेश ने बताया जी, कार्यस्थल पर, तो कार्यस्थल में शामिल है व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब दोनों जी। महिलाएं या तो कॉर्पोरेट में काम कर रही हो या आपके घर पे अगर कोई मेड है तो वो भी उसमें इंक्लूड होती है। कोई कहीं भी काम कर रहा हो और उसके साथ अगर किसी तरह का होता है सेक्सुअल अब्यूज और असॉल्ट, कोई जरूरी नहीं है कि असॉल्ट ही हो, छूना, देखना, घूरना, ये भी एक तरह का सेक्सुअल अब्यूज है जी। तो जैसा कि महेश जी ने बताया कि विशाखा गाइडलाइन के 97 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में गाइडलाइन दिया था, लेकिन उसका मतलब सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। निर्भया केस 2012 में निर्भया केस के बाद एक कमेटी बनी, वर्मा कमेटी। उस कमेटी की खासियत ये थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सबके जो भी जुरिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, सबसे ओपिनियन भी मांगा गया था इशू पे। तो उसके बाद हमारे कानून में कई सारे बदलाव हुए हैं, IPC में भी, जुवेनाइल जस्टिस में भी। तो उसके बाद ये कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो मतलब उनके साथ जो सेक्सुअली अब्यूज या शॉल्ट जो भी उनके साथ मिसबिहेव होता है, उसके लिए 2013 दिसंबर में ये कानून आया। तो जैसे कि महेश जी ने बताया कि इसमें 3 महीने का है कि आपको आपके साथ कुछ भी होता है जी, तो उसके 3 महीने के अंदर आपको शिकायत करना है। लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी को लगता है कि आप डिले से कर रही हैं और उस डिले का कोई कारण है, तो मैक्सिमम 3 महीने का आपको और मिलता है, आप 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। वो इसमें आपको थोड़ी ढील देते हैं कि आप कर सकें जी। दूसरी बात, उसमें एक प्रोविजन किया गया था जहाँ भी 10 स्टाफ से ज़्यादा है किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्थान में, और अगर वहाँ महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी होगा जो इसकी देखरेख करेगा कि जो शिकायत सुनेगा। शिकायतकर्ता को ये है कि आप अपना बताएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे। महेश जी ने काफ़ी कुछ बताया है इस बारे में, और बाकी इसमें आपको जो पनिशमेंट है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो इसमें आपको मैक्सिमम उनको उनसे आपसे लिखित माफ़ी मंगवाई जा सकती है। अगर आपका जो भी शिकायत है अगर वो सही पाया जाता है, इंक्वायरी के बाद सही पाया जाता है, तो उनसे मैक्सिमम माफ़ी मंगवाई जाएगी, उनका वेतन रोका जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तरह की आपको मिलेगी इसमें सुविधा, जो मतलब निवारण ये है। अगर आप झूठा करती हैं, अगर आप झूठा केस करती हैं, है ना, और अगर ये साबित होता है कि अगर आपने जो शिकायत करी है वो झूठा है, तो इस एक्ट में आपके लिए भी वही है, आपसे भी लिखित माफ़ी मंगवाई जाएगी, आपका भी वेतन रोका जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इससे आगे निकल के बात करें कि महिलाओं के साथ जो छेड़खानी है, उनके साथ जो फिजिकल और मेंटल सेक्सुअल अब्यूज है, असॉल्ट है, उसकी बात करें तो IPC में भी है कुछ सेक्शंस हैं, जो निर्भया केस के बाद कुछ और जोड़ा गया है उसमें 354 A, B, C, D,
जहाँ पे आपको वहाँ पे रेमेडी अवेलेबल है वहाँ पे पनिशमेंट भी है उनको अगर वो दोषी पाए जाते हैं। इसके अलावा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है तो क्या क्या वो करें। सुषमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं ऐसा कह रही हैं कि उन्हें धमकियां मिली हैं, इस वजह से वो अपराधी का नाम सामने लेकर नहीं आती, तो इस में वो क्या करें, आप क्या सुझाव उन्हें देना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन महिलाओं को धमकियां दी जा रही है वो किसी भी प्रकार की धमकियों से ना डरे, डटकर मुकाबला करें, बिल्कुल ना घबराएं और अपराधी के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करें, कड़ा रुख अपनाएं जिससे अपराधी का हौसला टूटे और अपराधी किसी भी प्रकार का अपराध करने से डरे। और महिला को चाहिए कि वो अपराधी का नाम अपने घर वाले को अवश्य बताएं। इसके बावजूद अगर महिला को सफलता ना मिले तो कानून का सहारा अवश्य ले ताकि उन्हें न्याय मिल सके। नित्यानंद सर, आप हमें बताएं कि आईपीसी में क्या क्या प्रावधान है। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें जहां तक वो प्रावधानों की बात है तो भारतीय दंड संहिता की प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर महिला के प्रति किसी भी तरह की यौन उत्पीड़न या जैसा कि हमारी अनुराधा मैम ने बताया कि किसी भी तरह से घूरना, देखना या सोशल मीडिया पर उसको बदनाम करना या छेड़खानी करना, ये सारी चीजें जो हैं वो एसॉल्ट में आती हैं और वो धारा 354 के तहत, धारा 354 आईपीसी के तहत वो दंडनीय अपराध है। अब इसमें अगर इसके और प्रावधानों में हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के अपराध के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए। जैसे अब इसी में अगर आपके साथ कहीं माजे की अगर किसी के साथ अगर रेप की घटना है तो उसका फिर वो उसके लिए अलग है प्रावधान है। और इसी तरह से वो 375, 376, अब उसमें एक बात बताएं कि जैसा कि मैम ने कहा कि ये जो वर्मा आयोग की रिपोर्ट आई थी, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी विशाखा केस के बाद, इसमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में जो सजा थी उसको महसूस किया गया। जैसा कि उन्होंने कहा कि कमेटी के बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगा गया तो ओपिनियन में ये बात आई कि जो सजा का प्रावधान किया गया है वो कम है। तो ये सारे समय अनुसार परिस्थितियों पर से बदलाव समय समय से कानूनों में आते रहे। धारा 354 को भी विस्तारित किया गया है, जैसा कि सर बोल, धारा 354 में फिर 354 ए है, 354 बी, 354 सी, 354 डी। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि मीटू प्रक्रिया के तहत क्या क्या प्रावधान है। मीटू कोई एक्ट नहीं है जी। आप अगर मीटू के शिकार हैं तो आपको आईपीसी के तहत ही फाइल, आईपीसी सीआरपीसी के तहत ही मुकदमा दायर करने होंगे जी। अगर विक्टिम माइनर है, विक्टिम अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो उसके लिए पॉस्को एक्ट है जी, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट जी। तो उस एक्ट के तहत, वो एक्ट जो है आईपीसी से अलग है और वो सख्त है, उसके तहत ही स्पीडी ट्रायल होता है, त्वरित कार्रवाई होती है और विक्टिम को न्याय त्वरित मिलता है जी। और आईपीसी में सर छोड़ दिए थे 354 ए, 354 बी, 354 सी, यहाँ तक कि आप किसी महिला को अगर गुप्त रूप से देखते हैं, उनकी तस्वीर खींचते हैं तो दिसरहिता के अपराध के लिए उसके लिए भी सख्त सजा है, 3 साल से साथ अगर रिपीट करते हैं तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। किसी को पीछा करते हैं, चाहे व्हाट्सएप से पीछा करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और 2018 में धारा 376 में भी अमेंडमेंट आ गए हैं, धारा 376 ए बी ए डी, तो वहाँ जब जो रेप की का अपराध होगा जो 12 साल से कम उम्र के बच्चियों के लिए होगा के साथ अगर करता है, 16 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ करता है तो उसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। अगर रिपीट ऑफेंडर है तो डेथ पनिशमेंट तक की व्यवस्था की गई है। इस तरह के सख्त कानून हमारे देश में है
अगर प्रावधान बनाए गए हैं तो उसमें उसके अपवाद भी बनाए गए हैं, जैसा कि हमारी अनुराधा मैम ने कहा भी था कि अगर झूठा केस अगर आप करते हैं तो उसके लिए आईपीसी की धारा 182 के तहत जो केस करने वाला, अगर मान लीजिए किसी पर केस किया किसी ने, महिला ने, और जांच के बाद ये पाया जाता है कि यह झूठा केस है और वो उस व्यक्ति को अगर वो बरी हो जाता है, तो वो ऐसी परिस्थिति में झूठा केस करने के लिए आईपीसी की धारा 182 के तहत उस केस करने वाले व्यक्ति पर भी प्रावधान बनाए गए कि उसके लिए भी उसको दंडित किया जा सकता है। मैम आप मुझे बताएं कि मीटू में जो अपराधी हैं, आरोपी नहीं अपराधी, तो उन्हें कितने साल की सजा दी जाती है? एक्चुअली जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मीटू एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, सोशल मीडिया पे जो आंदोलन चला वो आंदोलन है, वो अपने आप में कोई जुर्म नहीं है जिसके लिए कोई सजा है, कोई सेक्शन बना हुआ है। तो मीटू एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ऐसी महिलाओं को जो इस तरह की चीज़ों से पीड़ित थी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, सो दैट कि लोगों को लगे कि अब ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती हैं। तो बहुत लोग बाहर आए और उन्होंने किया, तो इट्स डिपेंड कि आप आपके ऊपर किस तरह का असॉल्ट हुआ है, किस तरह का हरासमेंट हुआ है, तो उसी हिसाब से आप केस करेंगे और उस सेक्शन के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। जी जी और अब एक बात और कहना चाहेंगे। जी जरूर जरूर। जैसे कि महेश जी अभी बता रहे थे, महेश जी बता रहे थे कि सजा के बारे में, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में महेश जी बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि वो सही कह रहे थे कि सिर्फ दो सिद्ध ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्होंने गलत आरोप लगाया। इसमें है कि गलत आरोप लगाने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए, या आपने किसी फ्रेंड को अपना जैसे कि व्हाट्सएप किया हो कि हाँ मैंने उसको फंसाया, ऐसे कहीं कोई ऐसा कंक्रीट ऐसा कोई एविडेंस होगा तभी वो चलेगा उस पर। मैम आप मुझे बताएं कि आज महिलाएं एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, फिर भी कार्य क्षेत्र पर, अन्य जगहों पर, आस पड़ोस, इवन घर तक उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं घटती रहती है, तो ऐसे में वो क्या करें, क्या सुझाव आप देना चाहें? देखिए ऐसे में ये कहना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के साथ आज महिलाएं एक मुकाम पर हैं और अपने मान सम्मान के कारण फिर भी वो अपने खिलाफ हिंसा होने पर आवाज नहीं उठा पाती है, ऐसे में उन्हें अब आवाज उठाना होगा, उन्हें आगे आना होगा और अपने ऊपर अत्याचारों के खिलाफ उन्हें लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए उन्हें आगे आना होगा और उन्हें नारी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे समाज में होने वाले हर अत्याचारों को रोका जा सकता है। सर आप मुझे बताएं कि क्या मीटू आंदोलन कानून में, अभी जो वर्तमान कानून है उसमें परिवर्तन करके उसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने का एक प्रयास भी है, ये प्रयास कर रहा है? देखिए कानून तो हमारे देश में बहुत सख्त है ही और कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। जी जी। तो अमेंडमेंट उसी जगह करने की जरूरत है जहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है जी। और अधिक सख्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमारे देश में जो आईपीसी है 1860 की लिखी हुई आईपीसी है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, अंग्रेजी शासन था, कितना क्रूर शासक था अंग्रेज, उनका लिखा हुआ आईपीसी अभी तक हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें जो जितना सख्त है और सख्त करने की जरूरत नहीं है, बस कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए जो जिम्मेदार पदाधिकारी है जैसे पुलिस है, जो कोर्ट्स है, तो इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि अन्याय जो होता है, न्याय और अन्याय शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन स्तर से, पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है हमारे देश में। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मीटू आंदोलन महिलाओं को सार्वजनिक एवं गोपनीय रूप से अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करने का अवसर दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये आंदोलन ही इसलिए शुरू हुआ ताकि महिलाएं बाहर आए, अपने झिझक को, अपने शर्म को त्याग कर वो आगे आए और सबको बताए कि उनके साथ क्या हुआ, एक सोशल एक मैसेज जाए कि अब महिलाएं और नहीं सहेंगी, नहीं चुप रहेंगी। तो ये प्लेटफॉर्म ही था
एक प्लॉट प्लेटफॉर्म ही था कि मीटू का मतलब ये मैं भी मेरे साथ भी। तो मीटू जैसे कि उन्होंने बताया कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ, इंडिया में तनुश्री दत्ता ने कहा, तो वो मतलब ही था कि मैं भी मेरे साथ भी हुआ और हैशटैग मैं भी मेरे साथ भी। जी, तो ये एक आंदोलन इसलिए शुरुआत ही इसका पर्पस ही यही था कि महिलाएं निकले, बाहर आए, आवाज उठाएं, बोले, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी हो। और महिलाएं अगर आवाज नहीं उठाएंगे, मैक्सिमम जो होता है हमारे समाज में कि डर से, शर्म से, प्रतिष्ठा की वजह से, तो हम जो महिलाएं आगे नहीं आती हैं, इसके ऊपर आवाज नहीं उठाती हैं, बताती नहीं है, तो जो कल्प्रिट होते हैं वो बच जाते हैं, उनको इसका बहुत फायदा मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि एटलीस्ट अगर आप सजा भी, चूंकि अगर आपको सजा दिलाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ में, लेकिन अगर आप सोशल कैंपेन भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि जिनके खिलाफ भी ये कैंपेन हुआ तो उनका सोशली बायकॉट हुआ। जैसे बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार हैं, चाहे वो अनु कपूर हो, बहुत सारे लोग, तो सोशली उनका बायकॉट हुआ, उनके वर्क प्लेस पे उनका बायकॉट किया गया। तो ये इसलिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगी, मतलब बहुत कम शब्दों में आप जवाब दें, ये जो यहाँ भारत में होने वाला मीटू आंदोलन क्या इतना प्रभावशाली था जितना हॉलीवुड का रहा? बिल्कुल, हम शशि जी ये कहेंगे कि अगर हम इस पर एक सिंहावलोकन करें और ऑन द होल, तो ये बात आएगी कि यह काफी प्रभावशाली रहा है भारत में भी, अमेरिका और विदेशों के अलावा, और उसका काफी महिलाओं ने लाभ भी उठाया है। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने डीडी बिहार के प्रिय दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते, विशेषकर हमारी जो महिला दर्शक हैं, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सब महिला दर्शकों को, कि इस मीटू आंदोलन में भागीदारी दें। और आजकल सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें जो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कह नहीं पाती हैं, और वो, और एक बात और बता दे शशि जी, सबसे अधिक तो प्रताड़ना औरतों को अपने घर में ही है। जी, सही, सही, सही है। और आपको बताइए, एक सर्वे आया है लेटेस्ट जिसमें 80% महिलाएं अपने पति से ही पीड़ित है। सर, आप संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संक्षेप में अपने महिला एवं पुरुष दोनों तरह के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि महिला पुरुष मित्रता करें, किंतु इससे संबंधित कानून से भी अवगत रहें। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने और अपने अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक हो। आप लोग यहाँ आए, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कानूनी सलाह द्वारा केंद्र निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordgpatna@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे बड़े जननायक